कि आपका बच्चा भी आपके मोबाइल फ़ोन का यूज़ करके उस पर गेम खेलता है? अगर हाँ, तो आपको सावधान हो जाने की ज़रूरत है, क्योंकि इससे आपके बैंक बैलेंस पर रिस्क हो सकता है। इससे आप कैसे बच सकते हैं और ये रिस्क आपको कैसे हो सकता है, जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक देखते रहिए। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अरविंद मौर्य और आप देख रहे हैं दायम यूट्यूब चैनल। दोस्तों, वीडियो की शुरुआत में हमने बात करी कि अगर आपका बच्चा आपके मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल कर उस पर गेम खेलता है तो आपके बैंक बैलेंस को रिस्क हो सकता है। जी हाँ दोस्तों, अगर मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो इस साल 2020 में 150 से ज़्यादा ऐसे केसेस साइबर क्राइम में रिपोर्ट हो चुके हैं, जहाँ पर ये ऐसा केस पाया गया है कि बच्चे गेम खेलते खेलते गेम का मंथली सब्सक्रिप्शन या फिर प्रीमियम गेम परचेज कर लेते थे, जिससे जो अमाउंट होता था वो पिता जी के अकाउंट से कट जाया करता था, गार्जियन के अकाउंट से कट जाया करता था और उनको बाद में पता चलता था, तो वो बाद में उसको साइबर क्राइम में उसकी FIR करवाते थे, जिससे जानकारी में ये बातें आई कि किस तरीके से उनका बैलेंस कट जा रहा था। तो दोस्तों, अब जान लेते हैं कि कैसे ये बैलेंस कट जाता था। फॉर एग्जाम्पल, मान के चलते हैं कि आपका बच्चा आपके मोबाइल फ़ोन पर गेम खेल रहा है। गेम खेलते खेलते उसको गेम को अपग्रेड करने का या उसका मंथली सब्सक्रिप्शन परचेज करने के लिए ऑप्शन उसको मिल जाता है, तो वहाँ पर वो क्लिक करके उसको ऑटोमेटिक परचेज कर लेता है, क्योंकि आपका पेमेंट मेथड जो है पहले से गूगल के पास सेव रहता है। ये पेमेंट मेथड कैसे सेव हो सकता है कि जैसे अगर आपने कभी गूगल की कोई सर्विसेज परचेज करी हो, चाहे वो यूट्यूब का प्रीमियम सब्सक्रिप्शन हो या फिर कोई गूगल की क्लाउड या ऐप सर्विसेज कोई भी आपने परचेज करी हो, तो वहाँ पर आपने डेबिट कार्ड डिटेल दिया होगा। वो डेबिट कार्ड डिटेल जो गूगल के पेमेंट सिस्टम में ऑलरेडी सेव हो जाता है, उससे जब बच्चा आपका उस गेम को अपग्रेड करने के लिए उसको ओके करता है तो ऑटोमेटिक, या सब्सक्राइब करने के लिए ओके करता है तो ऑटोमेटिक वो पेमेंट मेथड से वो बैलेंस कट जाता है। तो ये इस तरीके से वो बैलेंस गार्जियन के अकाउंट से कटता रहता है, मंथली सब्सक्रिप्शन हुआ तो कटता रहता है ऑटोमेटिक, या फिर कोई वन टाइम परचेज है तो वन टाइम कट जाता है। तो इस तरीके के केसेस जो है 2020 में, जो मैंने जैसा बताया कि 150 से ज़्यादा केसेस रिपोर्ट हुए हैं, और कितने भी ऐसे केसेस हो सकते हैं जो रिपोर्ट ना हुए हों। इससे बचने के लिए दोस्तों चलिए प्रोसेस जान लेते हैं। आपको सबसे पहले गूगल पर जाना है। गूगल पर जाने के बाद आपको गूगल पेमेंट्स सर्च करना है। यहाँ पर ये वेबसाइट सामने आएगी, इसे ओपन कर लेना है। इसके बाद यहाँ पर देखिए पेमेंट मेथड का ऑप्शन है, यहाँ पर जाना है। यहाँ पर जाने के बाद देखिए, आपने जो भी कभी गूगल परचेज, गूगल से कोई भी सर्विसेज परचेज करते वक्त अगर आपने डेबिट कार्ड डिटेल दिया है तो आपको यहाँ पर शो हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, जैसा कि यहाँ पर आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पर दोस्तों ये है कि आपको एक डेबिट कार्ड डिटेल्स को रिमूव करने का भी ऑप्शन मिल जाता है। इस पर आप क्लिक करके ये डेबिट कार्ड डिटेल परमानेंटली रिमूव भी कर सकते हैं। अगर आपने इसको यहाँ से रिमूव कर दिया है, तो अगर अब आपका बच्चा गेम खेल रहा है और गेम को अपग्रेड करने का या सब्सक्राइब करने का उसको पेमेंट करना है, तो उसको वन क्लिक पर वहाँ से पेमेंट नहीं होगा। आपका अमाउंट एकदम सेफ मोड में है, ऑटोमेटिक पेमेंट नहीं होगा। इस तरीके का पेमेंट जो है नॉर्मली वन क्लिक पर बिना OTP के ऑटोमेटिक हो जाया करता है, क्योंकि ये ट्रस्टेड बैंक के थ्रू कनेक्ट हो जाता है और कनेक्ट रहता है, क्योंकि गूगल का इंटरनेशनल पेमेंट होता है, तो वहाँ पर OTP वेरिफिकेशन वगैरह की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो फाइनली दोस्तों, उम्मीद है कि ये वीडियो काफ़ी पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो अभी इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। ऐसी ही इन्फॉर्मेशन को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाने के लिए इस वीडियो को शेयर भी कर सकते हैं। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए, जिससे हमारी आगे आने वाली वीडियोज़ आपको आसानी से मिलती रहें। बाय बाय एंड टेक केयर।